बिहार विधानसभा चुनाव में दूध की जली बीजेपी अब छांच भी फूक फूक कर पी रही है, क्योंकि बिहार में जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं वहां के बीजेपी उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। आपको याद होगा 1995 में भी इसी तरह से चुनाव हुआ था, यानी पूरी तरह से सभी दल अलग अलग लड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस और RJD साथ में है, बाकी JDU अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, लोक जनशक्ति पार्टी अपनी तरह से अलग है, उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी, पप्पू यादव यह सब अलग है। यानी सभी दलों को तकरीबन अपने अपने जनाधार पर चुनाव लड़ना है। यह बहुत अच्छी बात है और इसे शुभ संकेत भी माना जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने 115 उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इस दौरान पार्टी हाईकमान ने कई मौजूदा विधायकों की टिकट काट दी है। इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो रही थी तब पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पार्टी के बड़े नेता जब उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे थे तो उस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लगे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में EVM पर भी सवाल उठ रहा है। इस बार पहले से स्लिम और स्मार्ट EVM का इस्तेमाल होगा। आकार और वजन में घटाया गया है लेकिन इसकी क्षमता बढ़ गई है। पुरानी EVM का अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए उपयोग किया जा सकता था। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मतदान के दौरान EVM में खराबी की शिकायत भी इस बार कम होगी। EVM बैलेट यूनिट और VVPAT को जोड़ने वाले सभी केबल अलग अलग रंग के बनाए गए हैं। रंग मिलाकर इन्हें आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। तीनों मशीन में जो गड़बड़ी होगी उसे भी यह M3 EVM खोजकर प्रदर्शित करेगी। पहले पूरा सेट बदलना पड़ता था लेकिन अब जिस यूनिट में खराबी होगी या कनेक्शन गलत होगा उसे ही बदलना पड़ेगा। लिहाजा इस मुद्दे पर जनता सवाल कर रही है कि आखिर क्यों नहीं बीजेपी पार्टी EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराती है। इस बात से साफ है कि बीजेपी को जरूर EVM से फायदा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।